वन मिनट रिवीजन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज दिनांक 7 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे, वो भी एक मिनट में। तो दोस्तों हाल ही में 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया, और दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया, और दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और दोस्तों संगीतकार नील नोंग किन रिहजी का निधन हुआ, और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जारी किया, और दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए टोटल 89 ऐप्स पर बैन लगाया है, और दोस्तों हाल ही में गूगल कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया, और दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दे दी, और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर विक्टर सानेव जी का निधन हुआ, और दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए, और दोस्तों हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया, और दोस्तों हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड से JC चौधरी जी को सम्मानित किया गया, और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बना है, और दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में, और दोस्तों हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिएट ऑफ इंडिया ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह थे 7 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो भी एक मिनट में। धन्यवाद दोस्तों।